बच्चों, अच्छा तो तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट। अच्छे प्रोफेशंस हैं, पर तुम में से कोई शायद सिंगर बन सकता है? दोनों अच्छा गाते हो। नहीं। क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिंगर बनना अच्छा है? माँ, इसका क्या फायदा है? एक सिंगर सिर्फ गाने ही गाता है, इसमें कोई मजा नहीं और इससे किसी की कोई मदद भी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन सभी कलाकारों की भी दुनिया में महत्वपूर्ण जगह है, समझे? हाँ, ठीक है, तब तो तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, जंगल में बहुत दूर एक कोयल रहती थी। जैसा कि तुम्हें पता है, सभी कोयल बहुत ही अच्छा गाती हैं, तो ये कोयल भी एक अच्छी सिंगर थी। दोपहर के वक्त जब सारा जंगल सोने लगता था, तो कोयल अपनी मीठी आवाज में गाना सुनाती, और जब भी कोयल गाती तो सारे जंगल का रंग रूप ही बदल जाता। सभी गाना सुनकर मस्ती में झूमने लगते, यहाँ तक कि बड़े जानवर भी गाना पसंद करते थे। ये आवाज सच में बहुत मीठी है, बहुत प्यारी। मैं तो इसे हमेशा सुन सकता हूँ। कितनी प्यारी आवाज है ये। क्योंकि सभी कोयल से प्यार करते थे, तो कुछ पक्षी ये पसंद नहीं करते थे। वो कोयल की बढ़ती प्रसिद्धि से जलते थे। ये कोयल बहुत प्रसिद्ध होती जा रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ, हम बहुत सारे हैं और वो बिल्कुल अकेली। वैसे भी वो सिर्फ बैठ कर गाना गाती है, उसे इस जंगल से भगाना हमारे लिए आसान होगा। हाँ, चलो यही करते हैं। चलो। तो इन बुरे पक्षियों ने उसे बहुत परेशान किया और उस बेचारी कोयल को जंगल से दूर भगा दिया। लेकिन असली परेशानी अगले दिन शुरू हुई। सभी बड़े जानवर परेशान होने लगे। आज कोयल गाना क्यों नहीं गा रही? आज कोयल गा क्यों नहीं रही? ओह, ये दोपहर तो बोरिंग हो गई। मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तब जो हुआ वो बहुत बुरा था। जब इन बड़े जानवरों के पास कुछ करने को नहीं बचा, तो इन्होंने छोटे जानवरों को अपने मजे के लिए मारना शुरू कर दिया। सारे जंगल में मार धाड़ शुरू हो गई। उन्होंने पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, वही पक्षी जिन्होंने कोयल को जंगल से भगा दिया था। ओह, कितनी बड़ी गलती हो गई। हमें कोयल को जंगल से दूर नहीं भगाना चाहिए था। इस कोयल के साथ जंगल की शांति भी चली गई। और अब हमें अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। तो बच्चों, कलाकार बहुत जरूरी है, हमें उनकी जरूरत है। वो हमारा मनोरंजन करते हैं और ऐसा करके वो हमारे समाज में शांति बनाए रखते हैं। बिना कला के समाज में उथल पुथल हो जाएगी, फिर हम में और जंगल में कोई फर्क नहीं होगा। माँ, अब मैं समझ गई। हाँ, मुझे भी तो बहुत सारे गाने पसंद हैं। हाँ, मैं भी उन्हें गाने की कोशिश करूँगा। हाँ, बिल्कुल करना, लेकिन पहले डिनर करना। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।